हेलो, गुड मॉर्निंग। तो सुबह करीबन करीबन 5:30 बज रहे हैं और मैं बाहर आके थोड़ी देर टहल रही हूँ। अच्छा, मेरा ये रोज का टहलना नहीं होता है, कभी कभी होता है। जिस दिन मैं 5, 5:30 बजे आँख खुल जाती है, उस दिन आज खुल गई तो मैं बाहर थोड़ी देर टहल लेती हूँ। अच्छा लगता है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर टहलती हूँ। तुलसी मैया को प्रणाम कर लेती हूँ दूर से और रेलिंग से नीचे देखती हूँ। सामने एक पेड़ लगा हुआ है, कनेर का फूल उसमें आते हैं। तो एक आंटी निकल रही थी तो मैं देख रही थी कहीं वो निकाल तो नहीं रही है, तोड़ तो नहीं रही। हालांकि फूल तो टूट के चढ़ते ही हैं, भगवान जी के पे लेके जाते हैं लोग, लेकिन वो ऐसा लगता है मैं टिपिकल पड़ोसी बन के देखूंगी भाई, ताक झाक करके कि कोई तोड़ तो नहीं रहा है। 15 मिनट हो गए हैं और मैं आ गई हूँ इस डोरी से सारे कपड़े निकाल कर बाहर डालने के लिए। कल बारिश हुई थी ना, इस वजह से सारे कपड़े मैं अंदर कर ली थी और अभी मैं सारे कपड़े बाहर डाल के आऊंगी। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, कूलर वगैरह नहीं चला रही हूँ, मजा आ रहा है। ऐसे मौसम में काम करने में भी बहुत मजा आता है। आप लोगों के यहाँ पे वेदर कैसा है शेयर करना मुझसे। टेबल पे हर एक जगह पे मैंने कपड़े डाल रखे थे तो अभी मैं सारे सुबह सुबह फैला देती हूँ, क्योंकि अभी हल्की हल्की सी इसमें नमी सी है और धूप निकलेगी तो अच्छे खासे सूख जाएंगे, फिर मैं इनको निकाल लूंगी। कपड़े फैलाने के बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, बट उससे पहले मैं बहुत सारे काम करती हूँ जो कि मैंने कैमरे लगा के शूट नहीं किए। सबसे पहले जो चीज़ मुझे नाश्ते में अगर बनानी है, कोई चीज़ को उबालना है तो मैं चढ़ा जाती हूँ गैस पे। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ और फिर मोपिंग करती हूँ। ये मेरा रोज डेली का काम है, चाहे मैं 5:30 बजे उठूँ या 6 बजे, लेकिन ये काम मैं करके ही दूसरा काम करती हूँ। मेरी आदत है सो के उठते ही हाथ में झाड़ू आ जाना। और अभी नहा कर आ चुकी हूँ और मैंने चने उबलने के लिए रखे थे, ओवरनाइट सोक किए थे। काले वाले चने काफ़ी हेल्दी होते हैं, बहुत से लोग तो इसे बिना उबाले ही ऐसे ही फ्राई करके खाते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से कम अच्छे लगते हैं। तो मैं और मेरे पति देव दोनों लोग मिलके ऐसे ही खाते हैं। और अभी कुछ ही दिनों से मैंने अपने हस्बैंड को पाटकर जी कह के बोलना स्टार्ट किया वीडियो में, और बहुत ही व्यूवर्स हैं मेरे जो नहीं अच्छा लग रहा, वो लोग मना कर रहे हैं। सो मैं उन नहीं बुलाया करूँगी, अब मैं हस्बैंड जी ही बोला करूँगी। एक्चुअली यहाँ पर सीतापुर में सभी लोग उनको पाटकर जी ही बुलाते हैं, तो मेरी भी आदत हो गई थी थोड़ा सा। एंड वैसे पर्सनली मैं बताऊँ, मैं उनको साथिया बुलाती हूँ, बट ऐसे वीडियो में साथिया जी या साथिया ऐसे वॉइस ओवर करते टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उनको पाटकर जी कहने लगी थी। तो फिर या फिर मैं हस्बैंड जी बोलूंगी या फिर मैं आध्या के पापा बोलूंगी। आध्या मेरी बेटी का नाम है, मेरे दो बच्चे हैं आध्या और दक्ष, जो नए जुड़े हैं उनको बता रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं चने हैं वो फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा जीरा वगैरह डालकर, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची और नमक। हालांकि नमक मैंने जब उबलते टाइम पे भी डाला था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हाथ को दबाकर डालना है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नींबू जो है मैंने एक स्लाइस डाल दिया है, इसमें निचोड़ दिया है, दूसरा मैं उनके पास रख दूंगी तो वो खा लेंगे, मतलब डाल के खा लेंगे। उनको बड़ा ही अच्छा लगता है खूब सारा नींबू डाल के खाना। और मुझे अच्छा ये वाले चने, थोड़ा सा प्याज वगैरह भी काट लो ना, ऊपर से डाल लो कच्चा प्याज, फिर खाओ तो और टेस्टी लगता है। लेकिन इनको नहीं पसंद है प्याज डाल के खाना। कुछ चीज़ें हैं ये प्याज डाल के नहीं खाते हैं, लहसुन तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। और इस चक्कर में ना मेरा भी लहसुन खाना बंद हो गया, घर में लहसुन आता ही नहीं है। एक व्यूवर है हमारी जिन्होंने पूछा था कि आप नॉनवेज खाते हैं, तो मैं उनको बता दूं मैं कभी भी नॉनवेज नहीं खाती हूँ, ना ही बनाती हूँ, ना ही खाती हूँ, ना ही लाती हूँ। मुझे देखना भी नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों, बुराई नहीं कर रही हूँ और बस पसंद नहीं है तो नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती।
और बस उनके लिए ये ब्रेड थोड़े से घी से सेक देती हूँ। अच्छा बटर है मेरे पास, लेकिन मैं घी से सेकना ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो मुझे टेस्टी भी लगते हैं घी वाले। तो बस बाल धुले थे मैंने, टॉवल लगा है बालों में और लेकर आ गई हूँ बहन के लिए नाश्ता। और सुबह सुबह इनको जब नाश्ता दिया है तो कुछ कह रहे थे, बताती हूँ मैं। बोल रहे थे कि आज ना राशन का पर्चा बना देना, ऐसा है ना कि हर मंथ में यही बनाते हैं राशन का पर्चा, मतलब देखते रहते हैं क्या है, मैं बोलती रहती हूँ तो ये लिखते रहते हैं। बट आजकल इनका थोड़ा सा मूड भी गर्म है और मन भी अशांत है, बहुत सारी चीज़ों में ये उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से कभी कभी गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। तो बस मैंने भी ठान लिया है कि आज मैं राशन बना पर्चा बना के ही दूंगी। सुबह उठ के ये जो कॉमिंग वगैरह करना, तैयार होना, ये सब मैं कर लेती हूँ। जिस दिन मुझे नाश्ता नहीं बनाना होता, मतलब देर से बनाना होता है हस्बैंड के जाने के बाद, उनको ब्रेड वगैरह दे देती हूँ उस दिन। लेकिन आज नहीं था टाइम, तो मैंने सोचा चलो अब वो चले ही गए हैं, अब मैं तैयार हो जाती हूँ फटाफट से। गीले बालों में हल्की हल्की सी कंघी कर ली है और एक क्रीम है मेरे पास वाव की, जो कि मैं आजकल रोज लगा रही हूँ, अच्छी लगती है। और भी हैं, कभी कभी बदल बदल के लगा लेती हूँ, लेकिन सारी नेचुरल हैं, ज़्यादा नुकसान उकसान नहीं करती, बढ़िया है। और पाउडर मैं कॉम्पैक्ट नहीं लगाती हूँ, हमेशा ये बेबी पाउडर जो है ना वही लगा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लगाना हमेशा से ही। तो बच्चों को तो लगाती हूँ, उससे ज़्यादा बच्चों की मम्मी लगा लेती है। बस सिंदूर और बिंदी और लिपस्टिक, लिपस्टिक मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जब कभी प्रॉपर पर्टिकुलर वीडियो बनाना होता है ना तब मैं लिपस्टिक लगा के बैठती हूँ, या फिर कहीं जाना है अच्छे से तैयार होना है पार्टी फंक्शन में तब जाके लगा लेती हूँ लिपस्टिक। काजल भी मैं बहुत दिन बाद लगा रही हूँ, पता नहीं क्यों आज बड़ा मन किया सजने संवरने का, तो थोड़ा सज भी लिया है। और लिपस्टिक की जगह पे आज मुझे हाथ में लाइनर मिल गया, मेरा पुराना लाइनर है और ये शार्प नहीं है, तो मुझे बहुत वैसा लग रहा था कि कैसे एक छीले, और आलस भी आ रहा था, तो मैं छीली नहीं हूँ, ऐसे ही इसको रगड़ रगड़ के लगा ली हूँ और अच्छा कलर आया है, बढ़िया सा तैयार हो गई हूँ मैं। तो बस ये तो अधिकार है हमारा, जन्म से तैयार होना हो गए, हर महिला का रहता है। और दोनों बच्चे सो रहे हैं, पापा चले गए हैं बच्चों के। ये घर थोड़ा सा मैसी इसलिए लग रहा है कि रात को बच्चे खिलौने खेल के ही सोए थे टेबल पे रख के, पूरे घर में झाड़ू पोछा तो मैंने लगा दिया है और जमीन में फैले थे ये खिलौने, तो मैंने टेबल पे रख दिए थे धीरे से, और बहुत ही धीरे धीरे हाथों से शांति के साथ मैं इनको बंद करके रख रही हूँ ताकि ये जगे नहीं, और चुपचाप लाइट बंद करके निकल जाऊंगी यहाँ से। और मैं जब क्लीनिंग करती हूँ तो इस रूम की लाइट भी नहीं जलाती हूँ, बस झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, साफ करके सामान उठाया, इधर उधर रखी। कभी दिखाऊंगी आप लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग घर में क्या क्या चीजें पड़ी रहती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, चप्पलें डली रहती हैं इधर उधर, खाए पिए कुरकुरे के पैकेट और खाई पी चीजों डली रहती हैं, कहीं किसी के पैंट पड़ा हुआ है, किसी की टॉवल डली हुई है, बहुत सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें उठा उठा कर रखना, फिर जाके कहीं झाड़ू पोछा हो पाता मेरे घर का। मैं भी अपना नाश्ता लेकर आ गई हूँ, दो ब्रेड और चने, अपने लिए आलस कर लिया है, ब्रेड सेका नहीं है। ये हमारी सासू माँ इसे मुन्ना बोलती हैं, तो हम लोग की भी आदत होगी मुन्ना बोलने की। ये बेसिकली खुजली करने के लिए है, पीठ पे हाथ नहीं जाता ना, तो ये ईयरफोन ले आई हूँ, बैठ के कुछ सुनूंगी, अपना फेवरेट प्रोग्राम देखूंगी, कभी कभी मैं भक्ति गाने भी सुन लेती हूँ, मजा आता है मुझे सुबह सब जब क्लीनिंग करती हूँ तब। तो बस यहाँ पे चाय नाश्ता कर रही हूँ, उसके बाद बच्चे हैं वो भी जग गए थे, और ये काफी देर की क्लिप है, और मुझे भी देखो हालत मेरी जूड़ा वूड़ा लग गया है, गर्मी से बेहाल होने लगी हूँ मैं अभी से। और आज मैंने ये पोशाक जो पहन रखी है ना, पूरे घर में लगा लगाया झाड़ू पोछा के बाद भी पोछा लग ही रहा है इससे। तो बस दक्ष भी जग चुका था, अध्याय जग चुकी थी, ब्रश कर चुके हैं, मुंह हाथ धुल लिया है बच्चों ने, लक्स को भी ब्रश कराती हूँ, कभी कभी नहीं करता है, कभी कभी रोता है, कभी कभी कर लेता है। सो बस अभी मैं इसको चने दे दी हूँ, चने इसको बहुत अच्छे लगते हैं, एक एक बिन बिन के खाता रहता है। और ये चद्दर जो कि आजकल बड़े ही निकाले जा रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन अब फिर से वही सड़ी वाली गर्मी शुरू हो रही है, और मौसम रोज बनता है, बस उमस हो जाती है, ऊपर वाला पोर्शन है ना मेरा, इस वजह से बहुत गर्म रहता है। तो बस क्लीनिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी। अब
अभी छोटी वोटी बांध कर आ गई हूँ मैं किचन में काम करने। बैकग्राउंड में बहुत सारे बच्चों की आवाज आ रही होगी, मेरे ही बच्चे हैं दोनों, बहुत चिल्लाते हैं, कितना भी मना करो, लेकिन उनको भी क्या करें, उनको खेलना है तभी मैं वॉइस ओवर कर पाऊंगी, नहीं तो मुझे तो रात के 1-1.5-2 ऐसे बज जाते हैं। तो बस यहाँ पे अरहर की दाल बना रही हूँ, क्योंकि जब थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है तो फिर अरहर की दाल खाने का बड़ा ही मन करता है। मतलब ऐसा लगता है कि थर्सडे के दिन प्याज नहीं बनता है तो हम लोग अरहर की दाल नहीं बनाते हैं, दाल मूंग की, मसूर की, मतलब मूंग की दाल खासकर बनाते हैं, मसूर कह रही हूँ। तो यहाँ पर जो अरहर की दाल है वो लगा दी है मैंने उबलने के लिए, और थोड़े चावल मैं डाल रही हूँ भिगोने के लिए। चावल ना मेरी आदत अब थोड़ी सी कम हो गई है। सच बताओ जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले की बात, मुझे चावल इतने पसंद थे, इतने ज़्यादा कि मतलब दोनों टाइम और एवरी डे, मतलब दे ही दो मुझे चावल। अगर जिस दिन घर में चावल नहीं बनेंगे तो फिर खाना जो भी बना है वो सब खाया पिया, और दोपहर में मैं अपनी बहन राखी से बोलती हूँ चलो ना तहरी बनाते हैं, तो थोड़ी वेजिटेबल वो काटेगी और फिर मैं बनाऊंगी। कभी मैं काट कूट के दे देती थी तो वो बना देती थी, वो दिन याद आते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। यही सारी बातें याद करते करते कुछ और भी याद आ गया मुझे, मैं आप लोग साथ शेयर करती हूँ। दक्ष आ गया था अभी, तो शेयर क्या करना है कि मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मोनी नाम है उसका। उसके घर जब भी जाती थी तो उसकी दीदियाँ हैं दो, तो वो अपनी बहनों में सबसे छोटी है और मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी हूँ। तो वो सबसे छोटी है तो उसकी दीदियाँ सारा काम करती, उसे कुछ काम नहीं करना पड़ता था। बहुत अच्छा लगता है दीदी होना भी और छोटी बहन होना भी, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन छोटी बहन का सुख कहाँ है मुझे। खैर यहाँ पर मैं अपनी बात है वो अभी पूरी करूँगी, फिलहाल मैं यहाँ पे राशन का पर्चा बना दूँ वरना मेरे पति देव आकर गुस्सा करेंगे फिर। तो एक एक चीज़ ढूंढ ढूंढ के मैं लिख रही हूँ, जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, थोड़ी रह गई हैं, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो मेरी जो फ्रेंड है मोनी, उसके घर जब भी जाती थी तो उनकी दीदी मेरे लिए तहरी ज़रूर बनाती थी, कि वो जानती ही थी कि प्रियंका को तहरी बहुत पसंद है, और मट्ठे वाले तड़के के साथ में बढ़िया सा मज़ा आ जाता था खाकर। वो गांव में रहती थी और मेरे घर से वो गांव काफ़ी दूर था, और मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो मुझे साइकिल पे अपनी बिठा कर लेके जाती थी। और सच बताऊँ उसकी आदत क्या थी, वो साइकिल पे बिठाती तभी थी कि जब वो साइकिल चला रही होगी तो पीछे से दौड़ के कोई पीछे उसके साइकिल पे बैठ जाए, तो मुझे वो बैठना भी नहीं आता था। इसके लिए भी मुझे काफ़ी दिन प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कुछ कुछ कहानी किस्सा तो शेयर करना मेरे साथ में, अच्छा लगेगा मुझे। बस लिख के सब आ गई हूँ मैं, कुछ चीज़ें रह गई वो बाद में देखूंगी। यहाँ पर आध्या अपनी पढ़ाई कर रही है, बस दक्ष पढ़ाई करने नहीं दे रहा है, तो बस आध्या अपना नहा कर तैयार भी हो गई है और बाल बाल धुले हैं उसने भी, तो अभी कोम नहीं कराया है उसने अच्छे से और ना ही छोटी वोटी करा रही है। दक्ष भी नहा चुका है, क्रीम व्रीम लगा दी है मैंने उसको, बस बाल बाल नहीं खींचे हैं तो भी मैं तैयार करूंगी। अब फिलहाल तो यहाँ पे आध्या कर रही है अपनी पढ़ाई। मैं दाल फ्राई करने आ गई हूँ, सारी चीज़ें निकाल ली हैं, कट कर ली हैं, और कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए। और कुकर जो है ये वाला एक ही है मेरे पास, एक और है वो दूसरे तरीके से बंद होता है, बट उसमें हमेशा पानी निकल जाता है उसका, तो जिस वजह चावल जल जाते हैं, तो मैं छोटा वाला वो यूज ही नहीं कर पाती हूँ। देखती हूँ आगे चल के अगर होगा तो लूँगी, फिलहाल तो अब इस घर में तो कुछ नहीं लेना है, अब अपने घर जाने का वो है, लेकिन टाइम लगेगा, 1 साल तो पूरा पूरा लग जाएगा, अभी तो कुछ भी नहीं है।
तो बस आप लोग बस जुड़े रहिएगा हमसे और हमें देखते रहिएगा और प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। दाल फ्राई करने के बाद मेरा ख्याल आया, मतलब मेरे मन में ख्याल आया कि कुछ मीठा बनाते हैं। आपको पता ही है पिछले वीडियोस में बताया था दूध वाले भैया दूध नहीं दे के गए थे, तो फिर आधा आधा लीटर करके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दूध लिया है, तो घर पे दूध भी एक्स्ट्रा हो ही गया है। तो मैं सोचा चलो आज खीर बनाते हैं, और मुझे लगता है मैं ये खीर मतलब कई महीनों बाद बना रही हूँ, और बहुत बड़ी टेस्टी खीर बन के तैयार हुई थी। जो राजरानी चावल होते हैं ना छोटे वाले, वही चावल मैंने इस्तेमाल किए हैं, वो स्पेशली खीर के लिए मैंने मंगाए हैं। अच्छी से उसमें खुशबू आती है और छोटे छोटे होते हैं और बहुत जल्दी पक भी जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जो चावल तोड़ के या फिर थोड़ा सा पीस के या दरदरा करके बनाते हैं ना खीर, ताकि खीर उनकी अच्छी बने छोटे छोटे चावलों वाली, तो उनके लिए ये राजरानी चावल बहुत अच्छे हैं, जरूर ट्राई करो। अगर आप लोग कर रहे हो तो बताना। बस खीर भी बन गई है और उसमें बादाम डाल दिए हैं काट के, चीनी डाल दी है, ये आध्या के लिए दाल चावल दिया है मैंने, और ये पतिदेव की थाली लगाई है, मिर्च का अचार, दाल चावल रोटी, प्याज वगैरह भी अभी काटूंगी, नींबू भी कट करूंगी और खीर भी दूंगी। बट उनको एक ही था कि खीर जो है वो ठंडी हो जाती और फ्रिज में रख देती, बट इतना गर्म भगोना था तो कैसे रखते। बस मेरी भी रोटियां बनी रखी हैं और बस मैं भी अपनी लगाऊंगी, अभी खाऊंगी, चावल भी रखे हुए हैं, आधे ने दाल चावल ही खाए थे बस। तो बस खा पी के हम ना सो गए थे जाके। आज इतनी आलस आ रही थी मुझे कि मैंने ना बर्तन वगैरह सब छोड़ दिए थे, कुछ काम नहीं किया था। तो ये सीधे शाम को मिल रही हूँ मैं, और पता नहीं क्यों जैसे ही मैं सो के उठी एकदम से लगा कि मेरे बर्तन पड़े हैं और मुझे जाके धुलने हैं, कि मैं हमेशा जब सो के उठती हूँ मुझे बर्तन धुले हुए चाहिए और चाय बनाने के लिए हत्ता धुला हुआ चाहिए। हेलो, गुड इवनिंग, अभी शाम हो गई है और बस थोड़ी देर पहले चाय पी है मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और तो अभी वो चले गए हैं सब्जी लेने के लिए, और भी और कुछ काम थे, दालें वगैरह आज मैंने लिखी हुई थी, आज फाइनली मैंने पर्चा बना दिया, नहीं तो आज सब बता रहे युद्ध हो जाता। वैसे भी रोज़ सुबह उठते ही थोड़ा बहुत तो लोग जो हो ही जाती है, मतलब पता नहीं क्यों उनका माइंड ना हर जगह डाइवर्ट रहता है। अब जैसे मोबाइल चला रहे हैं या फिर कुछ ऐसे ही बैठे लैपटॉप में कुछ देख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उनसे बात करते रहो बोलते रहो तो वो बोलेंगे ही नहीं, मतलब उनका ध्यान चार जगह और है, तो मैं बोलूँ सुनाई नहीं दे रहा है, तो मतलब थोड़ी देर बाद जवाब देते हैं, बोलते क्या कह रही हो, सुनाई नहीं दिया, अरे सुन ही कहाँ रहे हो, बस इतने में बूम हो गया। तो ऐसा ही कुछ है, और फिर जब मैं पूछती हूँ तो बोलती मेरी दिमाग ना बहुत जगह घूमा करता है, मैंने कहा ऐसा तो मेरा भी घूमा करता है, मैं जब झाड़ू लगा रही होती हूँ सुबह उठ कर तो मुझे ये भी दिमाग में चला करता है कि मुझे अभी नाश्ता ही बनाना है जाके, और उसके बाद खाने की भी तैयारी करनी है, बच्चे जग ना जाएँ, मतलब बहुत कुछ सोचती रहती हूँ, साथ साथ वीडियोज़ भी बनाने हैं, आज मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, सब बहुत सारे काम याद रहते हैं, तो वही है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपनी बताते रहते हैं कि ऐसा ऐसा है। खैर इसीलिए हो जाती है थोड़ी बहुत, अब तो आदत सी हो गई है मुझे इन सारी चीज़ों की। ये देखो चाय पी के गए हैं, और मैं अपनी चाय रख दी थी ठंडी होने के लिए, मैं उसी बाद में पीऊँगी, तो कंपनी देने के लिए बैठे भी नहीं, बस पिए और चल दिए निकल दिए। तो मैं अपनी चाय अभी पी के फिनिश की हूँ, एक दो टोस्ट भी खाई हूँ। देखा आदिया बाहर खेल रहे हैं, गेट खोल देती हूँ शाम को तो बाहर खेल लेते हैं बच्चे, अभी पापा आ जाएंगे इनके तो पार्क ले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ सोच रही हूँ मैं अभी थोड़ा सा टहल आती हूँ पार्क में, बहुत टाइम भी हो गया। और हाँ सुबह से वो गाउन पहने रही, बड़ा ही अच्छा लग रहा था, और वही गाउन पहन के थोड़ी देर सो भी लिया। आजकल नींद की बड़ी लत पड़ गई है मुझे, मतलब सो ही लेती हूँ, एक नींद ले ही लेती हूँ मैं। तो मौसम कल ठंडा था और आज सुबह भी ठंडा था, बढ़िया लग रहा था, मैंने वो फुल स्लीव्स का पहन रखा भाई, थोड़ा सा झोला झाला जैसा, अब काम करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी लेकिन फिर भी मैंने पहन रखा था, मतलब चलो अब पहनते हैं, रखा रखा क्या होगा पहन लेते हैं ऐसे ही। फिर बर्तन धुली सो के उठी तो गीला हो गया, तो मुझे वो चेंज करना पड़ा, तो मैंने चेंज कर लिया, और पता नहीं क्यों इसमें बहुत राहत भी मिल रही है, और क्योंकि अब उमस होने लगी, धूप निकली है ना इस वजह से उमस बढ़ गई है बहुत ज़्यादा फिर से, तो फिर से गर्मी शुरू हो गई है, फिर वही कूलर नहीं चल रहा था अभी दो दिन से, आज शाम दोपहर में भी नहीं चलाया, रात को भी नहीं चलाया था, कल से कूलर नहीं चल रहा है, कल क्या परसों से ही नहीं चल रहा, परसों की रात को चलाया था थोड़ी देर फिर बंद कर दिया था, मौसम अच्छा हो गया था, अब कूलर चलेगा, फिर गर्मी फिर उमस फिर वही चीज़ें। खैर
चल कपड़े उतारूं, बाहर के सूख गए हैं, सूख क्या गए होंगे, इतनी देर धूप हो गई थी, अकड़ ही गए होंगे सूख के, उतारूं तय लगाऊं, रोज के काम सबसे बोरिंग काम लगता है, कपड़े धो धो के सुखाओ, फिर उठाओ, फिर तय लगाओ, फिर प्रेस करो, बहुत काम। प्रेस करने वाला काम ना बहुत दिन से मैं पेंडिंग छोड़ के रखी हूँ, मतलब आज तो नहीं की हूँ, आज थोड़ा सा तबीयत भी अनबनी सी है, आज बिल्कुल अच्छा ही लग रहा था, बोरिंग बोरिंग सा लग रहा था मुझे, हर एक काम करने में आलस आ रहा था मुझे, पता है किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है। चलो भाई बर्तन तन रखते हैं, सिंक खाली देख ही नहीं जाती किसी से, फिर से ये पहुँच रहे हैं धुलेंगे फिर ये इकट्ठे करके, कपड़े तय लगाते हैं। चल गद्दा है मेरे पास, थोड़ा सा पतला है और कभी कभी इसको जमीन में बिछा कर लेट जाती हूँ, या फिर बैठने के काम आ जाता है, या फिर कोई आता है तब इसको यूज़ हो जाता है। तो इसको भी धूप लगानी थी मुझे, तो मैंने इसको डाल दिया। इसका कवर मुझे बनाना है, बहुत जल्दी बनाऊंगी, तो धूप लग चुकी है, अब इसे मैं अंदर तय लगा के रख दूंगी, और ये कपड़े जो हैं सारे मैं तय लगा के रखूंगी इनको जगह पर। सबसे बुरा काम लगता है मुझे, धुलो, तय लगाओ, इनकी जगह पर रखो, प्रेस करो, बल्कि बहुत सारे कपड़े प्रेस करने को हो गए हैं, बड़ा आलस आ रहा है। अब जैसे ही बारिश का मौसम हो जाता है तो फिर बहुत आलस भरा भी दिन हो जाता है, पता नहीं क्यों बॉडी में अजीब सा आलस आ जाता है कि चलो अब ठंडा हो गया है मौसम, बैठते हैं, आराम करते हैं, मौसम का मजा लेते हैं, नज़ारे देखते हैं। तो बस यहीं पे सारे कपड़े जो हैं मैं सब अपनी भी जगह रखूंगी। और पतिदेव आ गए थे मेरे, तो ये देखिए राशन का कुछ सामान है जो मैंने लिखा था वो लेकर आए हैं, हालांकि और सामान जो हमारा है वो ऑनलाइन आता है, सब्जी भी लेकर आ गए हैं। तो सब्जी ले आए हैं और एक मैं आप लोगों से बात शेयर करने वाली हूँ अभी। एक्चुअली जब ये आए हैं तो इन्होंने मुझे बताया है, बट उससे पहले मेरी एक बहुत ही प्यारी सी YouTube फैमिली की एक बहुत ही प्यारी सी मेंबर, बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, वो मिली थी इनको मार्केट में, जो मुझसे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि दीदी मुझे आपसे मिलना है, और कभी ऐसा मौका बन ही नहीं पाया। जब भी मैं मार्केट जाती थी तो उनको पता नहीं था या फिर ऐसा कुछ हो नहीं पाया, लेकिन जब जिसको जो मिलना होता है ना वो इत्तेफाक ऊपर वाला जरूर बनाता है। तो ये गए हुए थे आज मार्केट और मैं नहीं गई हुई थी, ये एक इत्तेफाक है कि मेरा उनसे मिलना पता नहीं था इसलिए मैं नहीं गई। और इनको मार्केट में देखा जब उन्होंने, तो सीधे ही भागती हुई आई होंगी, मैंने इनसे पूछा है जब मुझे पता चला, उन्होंने इंस्टाग्राम में मुझे बताया, और जब ये आए तो मैंने उनसे पूछा आपको कोई मिला, उन्होंने बोला हाँ तुम्हारी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर मिली थी, छोटी सी बच्ची के साथ में आई थी, और मैंने कहा मुझे पूछ रही थी क्या, बोले हाँ उनको लग रहा था कि मैं भी आई हूँ आपके साथ में। तो मुझे बहुत बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं नहीं थी इनके साथ में, वरना तो मैं इनके साथ में ज़रूर जाती हूँ। आज ही अपने कलीग के साथ में गए थे मार्केट, इसलिए मैं नहीं गई थी, और मैं रोज़ रोज़ नहीं जाती, ज़्यादातर सैटरडे संडे जाती हूँ, या फिर कुछ काम होगा तभी मैं इनके साथ बैठ के निकल लेती हूँ, अदरवाइज नहीं जाती। तो बस वही है, वो सब ऊपर वाला ही करता है, मिलना ना मिलना सब उसी के हाथ में है। फिर देखते हैं कब मुलाकात होगी आपसे, लेकिन मेरे हस्बैंड से हुई आपकी मुलाकात, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात पता क्या लगी कि उनको देखकर, यानी हमारी जो फैमिली है, छोटी सी फैमिली आप पहचानते हो, तो उन छोटी सी फैमिली में से किसी एक भी मेंबर को आप पहचान कर उन तक गए, पास जाकर बात की ना, सबसे बड़ी बात यही है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। थैंक यू, ऐसे ही प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा, और मुलाकात जरूर होगी। तो इस वीडियो को एंड करते हैं स्माइल के साथ में, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, सुबह से बहुत बोर फील कर रही थी, लेजी फील कर रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे आज, कोई भी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन ये बात सुन करना मैं बहुत खुश हो गई। खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।